दाद देनी पड़ेगी राधा तुम्हारी, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे विश्वास की। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे सर की झूठी कसम नहीं खा सकता। मैं कुछ नहीं भूला। सब कुछ, जिस तरह तुम कुछ नहीं भूली हो, मैं भी कुछ नहीं भूला। अपने प्यार से अपनी शादी तक, शादी से मौत का सामना करने तक सब कुछ याद है मुझे। मैं जानता हूं वक्त और हालात बदल चुके हैं, तकदीरें बदल चुकी हैं, हमारे रास्ते भी बदल चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, एक बार मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश तुम्हारे पापा ने की थी, और इस बार वही कोशिश तुमने क्यों की? मुझे बताओगी नहीं राधा, गोपाल के साथ मिलकर मेरी मौत का सौदा तुमने क्यों किया? किसने किया राधा, किसने? Global warming, soil erosion. बहुत सारे इल्जाम लगाए तुमने मुझ पर, मैंने सबको धोखा दिया, लेकिन तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। एक्सीडेंट से पहले भी मैंने तुम्हें बताया था मैं इस शहर में लौटकर वापस क्यों आया, लेकिन तुमने अपने पापा की तरह ही मेरी मौत का ख्वाब देखा है। मुझ पर बस नहीं चला तो गोपाल को खरीद लिया। ये झूठ है, मैं तो उस इंसान को जानती तक नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है मैंने उसे। मैं तुम्हारी मौत का सौदा किसी के साथ क्यों करूंगी? आई एम सॉरी। जिस तरह मैं तुम्हारा यकीन खो चुका हूं, उसी तरह तुम भी मेरा विश्वास खो चुकी हो। तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरी मौत का ख्वाब देखा है, यही सच है। ये सच नहीं है करण, मैंने कभी भी भगवान से किसी की मौत की दुआ नहीं मांगी। करण, तुम तो शहर में मेरी बर्बादी का ख्वाब लेकर आए हो ना, तो फिर अपनी दुश्मनी तारा से क्यों निकाल रहे हो? तुम
तारा को झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो? मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। मेरे पास किसी के लिए कोई सपना नहीं बचा। मैं तो बस अपने साथ हुए धोखे का हिसाब लेने आया हूँ। मुझे क्या पता था जिंदगी एक बार फिर मेरे साथ धोखा कर देगी। हाँ, एक बात याद रख, जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, मैं तुम्हारे घर से जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, बार बार घर पर सबके सामने ये साबित करने की कोशिश मत करो कि मुझे सब याद है, क्योंकि जब तक मैं न चाहूं मुझे कुछ याद नहीं आने वाला। बोलो संजना। कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल, मेरा मतलब हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम है मेरा ऑफिस हॉस्पिटल के पास ही है। कोई खास बात? राज, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना, फिर ये झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? क्या बात करो संजना, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? मैं सचमुच ऑफिस ही जा रहा हूँ। राज, आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे। छुट्टी का दिन है? इट्स नॉट फेयर संजना, अगर आज छुट्टी का दिन है तो तुम्हें मुझे घर पर ही याद दिलाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं तैयार होके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। एक बात बताओ, तुम्हें मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? पता नहीं कौन किसे सता रहा है। अब तुम घर वापस आ रहे हो या फिर आज आज भी कहीं जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या बात कर रही हो, मेरा तो काम ही है बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कुछ ही देर में आ जाऊंगा। ओके बाय। अचानक राज को हो क्या गया है? मुझे गलत मत समझना संजना, मैं खुद ही हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ। जिस तरह तुम कुछ नहीं भूले हो, मैं भी कुछ नहीं भूला। अपने प्यार से अपनी शादी तक, अपनी शादी से मौत का सामना करने तक सब कुछ याद है मुझे। तुमने अपने पापा की तरह ही मेरी मौत का ख्वाब देखा है। मुझ पर बस नहीं चला, तुमको बाल को खरीद लिया। जिस तरह मैं तुम्हारा यकीन खो चुका, उसी तरह तुम भी मेरा विश्वास खो चुकी। तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरी मौत का ख्वाब देखा है, यही सच है। लीजिए मिसेज अग्रवाल, आप हमारे घर आई हैं तो कॉफी लीजिए। कॉफी पीना बहुत जरूरी होता है, पूछो क्यों? क्योंकि कॉफी इंसान को फ्रेश रखती है और कॉफी मुझे पसंद है। करण, शायद तुम भूल गए, मुझे कॉफी नहीं पसंद। कमाल, नागपुर में कभी आपने बताया नहीं कि आपको कॉफी पसंद नहीं। पसंद नापसंद बताने का मौका ही नहीं दिया। कितनी अजीब बात है,
जिंदगी ने आपको अपनी पसंद नापसंद बताने का मौका नहीं दिया और मुझे अपनी पसंद से जीने का। करण तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ ये ना तो कभी आप समझ पाई थी ना ही आज मैं आपको समझा पाऊंगा। मेरे हाथ की बनी कॉफी पी लीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं, तुम्हें यहाँ मैं इसलिए। देखिए, आपको जो कहना था आप कह चुकी हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप तो जानती हैं तारा मेरे लिए कितनी जल्दी बेचैन हो जाती है। और वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। अगर तारा यहाँ आ गई तो आपको उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए